आज मैं आप लोग को भारत के तीन नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम यह है किस प्रकार से हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। लेकिन गंगोत्री से जब गंगा नदी निकलती है तो उस समय उसका नाम भागीरथी है। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से जब निकलती है तब उसका नाम क्या है? भागीरथी है। और आगे देवप्रयाग में जाने के बाद उसका नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले हम देखेंगे कि कई एक धाराएं जो है अलग अलग आकर के और भागीरथी में मिलती है। सबसे प्रमुख जो धारा है, दो धारा है, एक धारा का नाम है भागीरथी और दूसरी धारा है अलकनंदा की। दूसरी धारा है अलकनंदा की। अलकनंदा का उद्गम जो है बद्रीनाथ से है। कहां से है? बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ से जब अलकनंदा निकलती है तो आगे चल करके धौली गंगा, क्या नाम है? धौली गंगा। और ये धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है, अर्थात जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलते हैं तो उसका नाम, उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। आगे नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी फिर अलकनंदा से आकर के मिलती है। और जहां पर ये नदी मिलती है नंदाकिनी और अलकनंदा, उसको नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। ये पंच प्रयाग है। आपको पहला प्रयाग क्या मिला? पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग कहां है? तो जब अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा कौन मिल रही है? धौली गंगा। यहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं तो उसे क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग। दोबारा नंद प्रयाग, अगला प्रयाग क्या है? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? नंद प्रयाग में आपको अलकनंदा की धारा, अलकनंदा की धारा और नंदाकिनी की धारा मिलती है। तो ये दो प्रयाग अभी तक आपने जाना, एक विष्णु प्रयाग और दूसरा नंद प्रयाग। तीसरा पिंडार गंगा, पिंडार गंगा अलकनंदा से आकर के मिलती है। पिंडार गंगा अलकनंदा से आकर के मिलती है और इसका नाम पड़ा है रुद्र प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में कौन कौन मिल रहे हैं? अलकनंदा और पिंडार गंगा। तो तीन प्रयाग जाने हम, पंच प्रयाग में तीन प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से एक धारा निकलती है और वह आकर के अलकनंदा से मिलती है। किसे मिलती है? अलकनंदा से। और यह क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। अंतिम है आपको देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो इस प्रकार से देव प्रयाग के बाद गंगा का नाम क्या हो गया? गंगा नदी जो पहले भागीरथी और अलकनंदा की धारा थी, देव प्रयाग के आगे गंगा के रूप में बहती है। गंगा नदी आगे चल करके गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बांदरपूंछ है, यमुनोत्री। यमुनोत्री का बांदरपूंछ है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है
और इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर और यह बांदरपूंछ उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से, या आगे चलकर के इलाहाबाद के पास अब नया नाम प्रयाग के पास गंगा से मिलती है और इसका नाम प्रयाग है। यहाँ एक और नदी सरस्वती की विलुप्त धारा भी मिलती है और इसे संगम नाम दिया गया है। कहाँ? प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। प्रयाग को देवताओं का निवास स्थल भी कहा जाता है। अब प्रयाग का नया नाम, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयाग। ध्यान दीजिए, इसके बाद एक अन्य नदी है गंडक, जो धौलागिरी से निकलती है। कहां से निकलती है? धौलागिरी से, और या यह आपको सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल धौलागिरी पर्वत नेपाल है, और यह आगे चल करके सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। एक और नदी जो दाहिनी तरफ से देख रहे हैं, सबसे पहले मिलने वाली नदी यमुना नदी है गंगा में, फिर दाहिनी तरफ से मिलने वाली दूसरी नदी सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। यहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम नर्मदा है। सोन नदी दानापुर के पास गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद फिर बूढ़ी गंडक और बागमती नदी आगे चल करके, ये बूढ़ी गंडक और बागमती मुंगेर के पास, कहां? मुंगेर और खगड़िया के पास गंगा नदी से मिलती है, बूढ़ी गंडक और बागमती। उसके बाद फिर कमला और कोसी आगे चल करके कुर्सैला भागलपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान नेपाल है। और फिर अंतिम में सिक्किम की पहाड़ी से निकलने वाली नदी महानंदा, जो कि बाई ओर से गंगा नदी में मिलने वाली नदी है, जो बिहार में मिलती है। दाई ओर से मिलने वाली नदी में सोन नदी, फिर अगला पुनपुन नदी आपको फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद दाई ओर से मिलने वाली एक अन्य नदी फल्गु नदी। आप जानते हैं कि गया में जो रबर डैम का निर्माण किया गया, फल्गु नदी के ऊपर ही बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम जो है फल्गु नदी के ऊपर, और ये फल्गु नदी बख्तियारपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद खीउल नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं जो गंगा से मिलती है, और आखिरी में अजय नदी जो लखीसराय के पास गंगा नदी से मिलती है। तो ये आगे चलकर के ये गंगा भागलपुर के बाद साहेबगंज और फिर यह आखिरी में पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और फरक्का के पास यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा हुगली नाम से जाना जाता है और दूसरी धारा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर आगे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है, और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बनाते हुए यह गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।